एक सहाबी आया, इस बात की गवाही अनस बिन मालिक ने दी है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अनस बिन मालिक फरमाते हैं हम बैठे थे, हुजूर के पास एक आदमी आया, आप कहने लगा मतसअतु या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी। अब अनस बिन मालिक फरमाते हैं हम हैरान हो गए, ना सलाम ना दुआ, ना कोई हुजूर को दुआ के लिए कह रहा है, ना कोई मसला पूछ रहा है, अचानक इतना अजीब सवाल, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी। आपने फरमाया तुमने कयामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है, रावी कयामत के लिए क्या तैयार कर रखा है। थोड़ी देर सोचने लगा, जब आदमी था मेरी तरह गांव का होगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, थोड़ी देर सोच कर कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं बहुत अच्छे काम भी कोई नहीं करता, नमाज भी पढ़ लेता हूँ नहीं पढ़ता, अच्छे काम भी कोई नहीं है, अखलाकी तौर पर भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। या रसूल अल्लाह इसके अलावा कोई तैयारी नहीं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं जब हुजूर ने ये सुना, आपका चेहरा चमक उठा, कहने लगे अल मर्उ मा मन अहब्ब, ए अल्लाह के प्यारे बंदे मैं तुझे ये जमानत देता हूँ तू मुझसे मोहब्बत करता रहे, अल्लाह तुझे कयामत में भी मेरी सोहबत अता करेगा। आप में से मुअज्जज तरीन वो है और खूबसूरत तरीन वो है जो मुस्तफा के ज्यादा से ज्यादा करीब है, चाहे वो मोहब्बत करके है, चाहे वो सुन्नतों पे अमल करके है, चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी सुन्नत अपना ले, ये भी खूबसूरती है।